हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनएंडिंग एजुकेशन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग हमारे हॉर्नबिल बुक का चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन पढ़ेंगे, जिसके राइटर टेरेंस रेटिगन है। तो दोस्तों, हमेशा मैं स्टार्टिंग में आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता हूँ, तो आज मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और बस ये कहूंगा कि वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देख लेना, क्योंकि अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा, और वीडियो मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही बनाता हूँ। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये एक एक्सट्रैक्ट है जिसे द ब्राउनिंग वर्जन नाम के एक स्टोरी से लिया गया है, जो एक स्कूल पे टेक प्लेस होता है। तो चलिए अब हम लोग इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। तो हमारे पहले कैरेक्टर है फ्रैंक, जो कि एक यंग टीचर है। हमारे दूसरे कैरेक्टर है टैप्लो, जो कि 16 ईयर के एक स्टूडेंट है। थर्ड कैरेक्टर है क्रॉकर हैरिस, जो एक मिडिल एज टीचर है। फोर्थ कैरेक्टर है मिली क्रॉकर हैरिस, जो कि क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। चैप्टर के स्टार्टिंग में फ्रैंक, जो कि एक यंग टीचर है, वो टैप्लो से बात करते हैं। तो फ्रैंक पूछते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? तो टैप्लो कहता है, नो सर। फिर फ्रैंक पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो टैप्लो रिप्लाई देता है, टैप्लो सर। फिर फ्रैंक बोलते हैं, टैप्लो, मैं इस नाम के किसी भी लड़के को नहीं जानता हूँ। और वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम एक साइंटिस्ट नहीं हो, यानी कि तुम साइंस की पढ़ाई नहीं कर रहे हो। फिर टैप्लो बोलता है कि मैं अभी लोअर फिफ्थ में हूँ और उसके लिए अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, हो सकता है कि मैं अगले टर्म तक स्पेशलाइज कर जाऊं, लेकिन अभी तक मुझे मेरा रिमूव पता नहीं है। यहाँ पे रिमूव का मतलब रिजल्ट है। फिर फ्रैंक बोलते हैं, क्या तुम्हें अभी तक अपना रिजल्ट नहीं मिला है? तभी टैप्लो बोलता है, नो सर, अभी तक तो हमें अपना रिमूव यानी कि रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि जो हमारी टीचर है क्रॉकर हैरिस, वो दूसरे टीचर की तरह हमें रिजल्ट पहले नहीं बताते हैं। तो फ्रैंक बोलते हैं, क्यों? तभी टैप्लो बोलता है, आपको तो पता ही होगा। फिर फ्रैंक बोलते हैं, हाँ, ऐसा एक रूल तो है कि रिजल्ट हेडमास्टर ही अनाउंस करेंगे एट द एंड ऑफ टर्म। तभी टैप्लो बोलता है, हाँ, ऐसा रूल तो है, पर इस रूल को केवल मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही ध्यान देते हैं। तभी फ्रैंक बोलते हैं, हाँ, मैं भी इस रूल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, तुम्हें कल तक का वेट करना पड़ेगा। तभी टैप्लो बोलता है, यस सर। फिर फ्रैंक बोलते हैं, उसके बाद क्या? अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं? इसका रिप्लाई देते हुए टैप्लो बोलता है, ऑफ कोर्स साइंस सर। फिर फ्रैंक थोड़ा दुखी टोन में बोलते हैं, हाँ, साइंस में हमारे पास बस स्लैकर्स ही आ रहे हैं, यानी कि वो लोग जो बस जोश जोश में साइंस तो ले लेते हैं पर उसे अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। तभी टैप्लो रिवोल्टिंग टोन में बोलते हैं, नहीं सर, मैं कोई स्लैकर नहीं हूँ, मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर फ्रैंक बोलते हैं, तुम्हें है, मुझे तो नहीं है, जरा भी नहीं है इस साइंस में जो मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो फिर टैप्लो बोलता है अपनी बुक को इंडिकेट करते हुए, सर साइंस इस मक से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मक का मतलब यूजलेस होता है। फिर फ्रैंक पूछते हैं, व्हाट इज दिस मक? इसका ये मतलब है कि जो बुक जिसे तुम यूजलेस बोल रहे हो, ये कौन सा बुक है? तभी टैप्लो बोलता है,
SLS सर द एग्रमेनन। फ्रैंक इसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारे व्यू में ये बुक द एग्रमेनन मक है, यूजलेस है। इसका रिप्लाई देते हुए टैपलॉ बोलता है, वेल नो सर, ये बुक इतनी भी बेकार नहीं है, यूजलेस नहीं है, क्योंकि इसका जो प्लॉट है, थीम है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है। फिर टैपलॉ बोलता है, ये बुक तो मक नहीं है, पर ये जिस तरह से पढ़ाई जाती है वो यूजलेस है। इस बुक में जो वर्ड्स है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जिसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर हम उन वर्ड्स को गलत समझते हैं तब हमें कम मार्क्स मिलते हैं और हमारे पूरे कॉपीज में लाइन खींच दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, ताकि हमें हमारी गलती दिखाई दे। फिर फ्रैंक बोलते हैं, यू साउंड अ लिटिल बिट बिटर टैपलॉ, मतलब तुम थोड़े कड़वे टोन में बात कर रहे हो टैपलॉ। तो टैपलॉ बोलता है, हाँ मैं ऐसा ही हूँ सर। फिर फ्रैंक बोलते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें पनिशमेंट मिला है, इसलिए तुम गुस्से में हो। फिर टैपलॉ बोलता है, नो सर, पनिशमेंट तो नहीं मिला है, बट एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुका हुआ हूँ। तो फ्रैंक बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्क, वो भी स्कूल के लास्ट डे पर? तभी टैपलॉ बोलता है, यस सर, अभी मैं गोल्फ खेल रहा होता अगर अभी मुझे इस एक्स्ट्रा वर्क के लिए स्कूल में नहीं रुकना पड़ता तो। एक्चुअली में मैं पिछले वीक एक दिन के लिए स्कूल मिस कर गया था, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो गया था, तो इसलिए मुझे आज रुकना पड़ा। और सर वेदर को देखिए, कितना अच्छा है आज के दिन, अगर मैं यहाँ पे नहीं रहता तो आराम से गोल्फ खेल रहा होता आज। तभी फ्रैंक बोलते हैं, बैड लक, पर इसका एक फ़ायदा भी हो सकता है तुम्हें। कल रिजल्ट के दिन टीचर तुम्हारे एक्स्ट्रा वर्क से खुश होकर तुम्हें गुड बॉय समझकर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स भी दे सकते हैं। फिर टैपलॉ बोलता है, हाँ ऐसा हो तो सकता है, पर मैं पूरे तरीके से श्योर नहीं हूँ। ऐसा हो सकता है पर ऑर्डिनरी टीचर पे, जो हमारी टीचर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और इस टाइप के रूल की कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क कर ले तो उसे एक्स्ट्रा मार्क्स वो दे देंगे। वो क्रॉकर हैरिस जैसे टीचर पे काम नहीं करती, अप्लाई नहीं होती है। और सर मैंने तो एक दिन पहले ही उनसे अपने ग्रेड्स के बारे में पूछा कि क्या मैं पास हो गया सर, तो आपको पता है कि उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? फिर फ्रैंक बोलते हैं, नहीं मुझे तो नहीं पता, तुम बताओ कि उन्होंने क्या बोला। तो टैपलॉ मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वॉइस की नकल करते हुए कहता है, माय डियर टैपलॉ, तुम्हें उतना ही मार्क्स मिले हैं जितना तुम डिजर्व करते हो, ना ही कम ना ही ज़्यादा, जितना मार्क्स तुम डिजर्व करते हो उतना मार्क्स तुम्हें मिला है। फिर टैपलॉ बोलता है, हो सकता है मेरे एक्स्ट्रा वर्क के चलते कहीं उन्होंने ज़्यादा मार्क्स की जगह मुझे कम मार्क्स ना दे दिया हो। ये बोलकर टैपलॉ अचानक शांत हो जाता है और बोलता है, सॉरी सर, क्या मैंने ज़्यादा बोल दिया? तभी फ्रैंक बोलते हैं, हाँ तुम थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हो। तभी फ्रैंक बोलते हैं, हाँ तुम थोड़ा ज़्यादा आगे तक चल गए। तो टैपलॉ बोलता है, सॉरी सर, फ्लो में मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तभी फ्रैंक बोलते हैं, टैपलॉ। तो टैपलॉ एकदम से रिप्लाई देता है, यस सर। तो फ्रैंक फिर बोलते हैं, क्या तुम मुझे फिर से वही टोन में बता सकते हो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उस दिन तुम्हें क्या क्या कहा? फिर टैपलॉ वापस से उनकी सारी बातें रिपीट कर देता है। तभी फ्रैंक सीरियस टोन में बोलते हैं, तुम एक काम करो कि तुम अपनी SLS ही पढ़ो और शांत रहो। सो फ्रेंड्स,
आज का हमारा इस चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन का पार्ट वन कंप्लीट होता है। तो सेकेंड पार्ट के लिए बस आपको तीन काम करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I